अभी मैं आदमपुर में हूं और आदमपुर में आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में कर्मचारी हैं, पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। सामने बीजेपी का मुख्य कार्यालय है। आदमपुर में उपचुनाव होने जा रहा है तो गर्म हथौड़े पर चोट मारने के लिए पूरे प्रदेश के जो हजारों की संख्या में कर्मचारी हैं, पुरानी पेंशन बहाली की मांग के लिए पूरे आदमपुर शहर में प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ कर्मचारी नेता अनूप जी, उनसे बात करेंगे। जी अनूप जी, अभी दो दिन पहले ही पंजाब में पुरानी पेंशन बहाल हुई है, हरियाणा में आप पूरे हरियाणा से जो कर्मचारी यहाँ जुटे हुए हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये अवगत करवा देना चाहता हूँ और आदमपुर की जनता को भी अवगत करवा देना चाहता हूँ, हरियाणा सरकार को भी अवगत करवाना चाहते हैं कि आज जो पीछे हजारों की संख्या में कर्मचारी हैं वो सिर्फ 4 या 5 डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, भिवानी। जी यदि हरियाणा सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो आप ये सोच सकते हैं कि अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब 5 जिलों के इतने कर्मचारी हैं तो पूरे प्रदेश के कर्मचारी हरियाणा सरकार को गिराने तक का काम कर सकते हैं। हरियाणा सरकार को हम अब कोई अपील और दलील नहीं करना चाहते, हम पूरी चेतावनी देना चाहते हैं, हरियाणा सरकार जल्दी से जल्दी हमारी पुरानी पेंशन बहाल करे, नहीं तो प्रदेश में कुर्सी पर बैठने के लायक हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी नहीं छोड़ेंगे। कितने कर्मचारी प्रभावित है इससे? हरियाणा सरकार के 1,80,000 कर्मचारी एनपीएस के अंदर आते हैं जिनका भविष्य अंधकार में है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर के नीचे हम आपको अवगत करवाना चाहते हैं कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती, आगामी जो 1.5 से 2 साल 2024 के उपचुनाव से पहले पड़ा है उसके अंदर किसी भी बड़े आंदोलन का रूपरेखा पेंशन बहाली संघर्ष समिति तैयार करेगी। और मैं कैमरामैन साथियों कहूंगा कि ये कैमरा इधर घुमा दे एक बार, और ये बीजेपी का मुख्य कार्यालय है और बीजेपी के मुख्य कार्यालय के सामने ही जो पूरे प्रदेश भर के हजारों की संख्या में कर्मचारी हैं जुट गए हैं और यही सड़क पर ही बीच सड़क पर ही बैठने जा रहे हैं, और इनकी ये अभी मांग है, पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है, और ये कर्मचारी जो अनाज मंडी में बीजेपी का जो नेता है यहाँ से कुलदीप बिश्नोई, उनकी मंडी में आड़त की दुकान है, वहाँ भी ये जाएंगे तो पूरे आदमपुर शहर में प्रदर्शन करें। अनूप जी बताइए, जिस तरह आज आदमपुर उपचुनाव के अंदर सांझा उम्मीदवार कह के कुलदीप बिश्नोई जी को उतारा गया है, सांझे उम्मीदवार कुलदीप जी दुष्यंत चौटाला जी और मनोहर लाल खट्टर सरकार के सांझे उम्मीदवार हैं। दुष्यंत चौटाला जी को अवगत करवाना चाहते हैं, या तो आप सरकार के अंदर बैठे हो या तो पुरानी पेंशन बहाली पर कोई उचित कदम उठाइए, नहीं तो अगला निशाना प्रदेश के कर्मचारियों को उचाना हल्का भी हो सकता। 2019 का जो चुनाव था उसके अंदर हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो आज बने बैठे हैं, कुर्सी का लालच उनको छूट नहीं रहा है, उन्होंने प्रत्येक मंच के माध्यम से और जेजेपी के घोषणा पत्र के अंदर ये स्पष्ट लिखा था पहली कलम से कि पुरानी पेंशन बहाल होगी, लेकिन आज जो हमारे जेजेपी के उप मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार में बड़े हुए हैं वो इस पर बात करना तक नहीं चाहते, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि आदमपुर के अंदर ये आप ये कर्मचारी आपको दिखा सकते हैं कि आने वाला जो चुनाव होगा उसके अंदर किसी भी तरह के तख्तापलट करने से कर्मचारी नहीं हटेंगे। आपने बताया कि 1,80,000 कर्मचारी इससे प्रभावित हैं, तो यानी कि हम मान लें कि इनके परिवार भी जोड़ दें तो 7 से 8 लाख। बिल्कुल हम आपको बताना चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश का कोई भी कर्मचारी है वो 3 पीढ़ी को लेकर साथ चलता है, उसके बच्चे हैं, उसके माता पिता जो वर्द हो चुके होते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कर्मचारी कम से कम 10 वोटों को प्रभावित करता है, और हरियाणा सरकार इस बात को कतई ये ना समझे कि प्रदेश का कर्मचारी अब चुप बैठने वाला है। अभी छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और पंजाब में, राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है, तो कितना दबाव आप हरियाणा सरकार पर बनाकर अपनी मांग सफल करवाने में कामयाब होंगे? सबसे पहले तो हम राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब सरकार के धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उनके प्रदेशों के कर्मचारियों की आवाज़ सुनी और उन्होंने अपना राजनीतिक भविष्य भी देखा है कि यदि पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो कर्मचारी किसी भी तरह तख्ता पलट सकते हैं। इसीलिए हम हरियाणा सरकार से भी मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी पुरानी पेंशन बहाल करे, नहीं तो आप ये देखेंगे भविष्य, आने वाले भविष्य के अंदर प्रदेश का कर्मचारी रोड से लेकर उनके मुख्यालय सिविल सेक्रेटरिएट तक बंद करने का वादा रखता है। अभी आपने बताया कि 5 जिलों के कर्मचारी यहाँ जुटे हैं, तो आगे की रणनीति क्या होगी पूरे हरियाणा की? आगे की रणनीति आप अभी देख सकते हैं, इसके समापन पर आगे की जो हमारे प्रोग्राम रखा गया है वो मैंने आपको बता भी दिया है कि डिप्टी सीएम हमारा अगला निशाना होगा और उसके बाद करनाल हमारा जो सीएम सिटी कही जाती है वो हमारा अगला निशाना।
करना होगा जी। ये थे हमारे साथ कर्मचारी नेता अनूप लाठर जी, और इन्होंने कहा है कि जो उचाणा में डिप्टी सीएम का हलका है और जो करनाल में उनका हलका है उनका विरोध किया जाएगा। मेरे साथ कुछ और कर्मचारी नेता जी बताइए, क्या सुना है आपका? संदीप सियाग जी, आज चलते हो बताइए जी, बताओ। मैं सचिव हूँ अपने इसमें पुरानी पेंशन संग्रह समिति का जी, और हमारी हरियाणा सरकार से प्रार्थना की हमारी ये पुरानी पेंशन लागू की जाए। हम संघर्ष कर रहे हैं, अब तो हम उनका विरोध कर रहे हैं, अगर उन्होंने हमारी पुरानी मांग लागू नहीं करी तो कर्मचारी आंदोलन करने के लिए तत्पर तैयार रहेगा। डॉक्टर विकास शिवाच, प्रधान महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, हम पुरानी पेंशन को लेकर लगातार आंदोलन करेंगे और सरकार से ये मांग है हमारी कि तुरंत प्रभाव से पुरानी पेंशन को लागू करें, नहीं तो सरकार को इसका खामियाजा इसी चुनाव में भुगतना पड़ेगा और 2024 के इलेक्शन में भी कर्मचारी वोट की चोट करेंगे और पुरानी पेंशन लेके रहेंगे। ये कर्मचारी का हक है, मान है, सम्मान है, इसके लिए हम पूरे कार्यक्रम पूरे हरियाणा में चलाएंगे अब। थैंक यू। ये थे हमारे साथ मध्य के नेता विकास शिवाजी, धन्यवाद।